बिल्कुल चलें पंकज फटेरिया जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जबलपुर की सुर्खियों के ऊपर नजर डालेंगे और उसके साथ महाकौशल की सुर्खियों के ऊपर भी नजर डालेंगे। जी, आज सबसे बड़ी प्रमुख खबर जो है वो ये है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को 6 नए जज मिल रहे हैं। अभी अखबारों इस खबर को अच्छे छापा है। हाईकोर्ट से संबंधित ही एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लोगों को जो सड़कों पर सजा दी जा रही थी या मारपीट की जा रही थी, इसको लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि ये मारपीट या शारीरिक दंड न दिया जाए। ये घटना उससे रिलेटेड है जिसमें वो तहसीलदार ने लोगों को मैटक बना के जो सजा दी थी, उस पर हाईकोर्ट का ये डिसीजन है। दूसरा एक नई बात यह है कि जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है, जो भोपाल में अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है उसको लेके बोला है हाईकोर्ट ने कि इस प्रतिमा हटाकर इसका जवाब पेश करे सरकार। ये तीन बात होकर हाईकोर्ट से संबंधित थी। दूसरा जो कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरियंट है उसको लेके हमें जबलपुर के सारे अखबारों ने खबर चाहती कि जबलपुर महाकौशल में इसकी कहीं भी रैंडम जांच नहीं हो रही, जबकि भोपाल इंदौर में इसकी रैंडम जांच हो रही। जबलपुर में इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नहीं है, ये खबर छापी है सारे सभी अखबारों ने जी। दूसरा जो टीकाकरण है उसको लेकर एक बड़ी खबर ये है कि 22 ग्राम पंचायत है 100% वैक्सीनेट हो गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज टीका नहीं लग पाएगा क्योंकि टीका की खेप मतलब वैक्सीन खत्म हो गई है, आज जबलपुर वैक्सीन नहीं लग पाएगी, ये बड़ी बात है ये। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, मेनका गांधी ने जो उनका जो सारे नेशनल मीडिया में भी ये छाया था उसके लेके जबलपुर के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनने कल बहुत इसका तीखा विरोध किया। मेनका गांधी ने बहुत एक वेटनरी डॉक्टर को धमकी देते हुए ये कह दिया कि तुमने जबलपुर के बहुत घटिया कॉलेज से डिग्री ली है। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में जो वेटनरी कॉलेज है वो 1947 का बना हुआ है और जबलपुर में ही वेटनरी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के वेटनरी डॉक्टर तो बड़ा विरोध किया उनका मेनका गांधी ने। जी जी चले अशोक शुक्ला जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। आज